मतलब बुरके में कुछ गलत आइडेंटिटी के लोग भी आके वोट कर रहे हैं भैया। तो फिर ये काम करिए, आप इमिग्रेशन को बोल दीजिए बिना फेस चेक करे दूसरे देश को भी जाने के लिए। बोलेंगे आप इमिग्रेशन को ये बात? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना भैया। एक फीमेल कैंडिडेट भाजपा की, विच शी हैज अ राइट टू चेक द फेस एंड आईडी कार्ड, यू आर सेइंग यू डू नॉट हैव। व्हाट राइट एनीबॉडी हैज एंड हाउ बिग ऑफेंस इट इज टू डिक्लेयर अ लिविंग पर्सन एज डेड एंड नॉट लेटिंग हिम पुट अ वोट। द कैंडिडेट हैज द राइट, द कैंडिडेट हैज द राइट। मतलब है पुलिस ने भी रूल्स नहीं पढ़ा है। आपको लग रहा है बुरके में कुछ गलत आइडेंटिटी के लोग भी आके वोट कर रहे हैं? भैया तो फिर ये काम करिए, आप इमिग्रेशन को बोल दीजिए बिना फेस चेक करे। पुलिस ने केस बुक किया है आपके अगेंस्ट में, क्या कहेंगे आप? अभी आप ही देख रहा है, 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर के अंदर उतना भी नहीं था, मतलब MIM पार्टी का नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे पुलिस? आपने स्वयं देखा ये बात, हर मीडिया ने देखा ये बात कि 50 मीटर भी नहीं था, लेकिन वो लोग नारे लगा रहे थे। उसको बोलने की तक नहीं है पुलिस को, बिल्कुल नहीं हो रहा है सब। ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, एकदम बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज है ये लोग। तो क्या करेंगे, जब मैं हिम्मत कर सच्चाई के लिए आगे बढ़ी हूँ तो सबसे बड़े लोग क्या कर सकते हैं? इनकी पूरी पुलिस गिरी मेरे ऊपर FIR दर्ज करने में है। सच्ची और सही जस्टफुल यानी कि आप न्यायबद्ध वोटिंग करवाने का तो नहीं होती इनको, क्या कर सकते हैं? लेकिन पुलिस का कहना है कि आइडेंटिटी चेक नहीं कर सकते कैंडिडेट। क्यों नहीं कर सकते? एज पर लॉ द कैंडिडेट हैज द राइट, द कैंडिडेट हैज द राइट। आपको मतलब है पुलिस ने भी रूल्स नहीं पढ़ा है। आपको लग रहा है बुरके में कुछ गलत आइडेंटिटी के लोग भी आके वोट कर रहे हैं? भैया तो फिर ये काम करिए, आप इमिग्रेशन को बोल दीजिए बिना फेस चेक करे दूसरे देश को भी जाने के लिए। बोलेंगे आप इमिग्रेशन को ये बात? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना भैया। अच्छा आधार कार्ड कैसा खींचते हैं, बुरके के साथ या उसको फेस दिखाकर? कैसा खींचते भैया? आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी? तो बनवाने की क्या जरूरत है भैया ये आईडी कार्ड जब दिखाना ही नहीं है? पुलिस इसका मतलब है जो फेस आइडेंटिटी ढंग से नहीं कर रही है, फेस आइडेंटिटी पुलिस नहीं कर रही है। और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उन लोगों को बाहर आने नहीं दे रहे, ये लोग खुद आकर वोट मार ले रहे। हम निकालेंगे सबका सबका सारा इन्फॉर्मेशन, सच निकालेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से कुछ शिकायत करने वाले हैं? हाँ, एक नहीं दो नहीं, हमने डायरेक्टली डाल दिया है। ये देखिए विकास राज जी को हमने डाला है, हालांकि विकास राज जी को इसके बारे में रिएक्ट होने का टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन उनको पास टाइम है गलत FIR मेरे ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए। मैं अभी दिखा दी, तो ये देखिए विकास राज जी को मैंने ये भी दिखा दिया, ये भी बता दिया कि साहब ये डाले डिलीटेड देवेंद्र, आप देख प्रजापति डिलीटेड डाले सर, लेकिन अगर आप वोटर में जाओगे तो बंदा को लेके जाकर रंगारेड्डी में डाल दिया सर इनको, एंड दिस फेलो बॉय वाज बीन पुट टू रंगारेड्डी। पूरे 6 लोग हैं इनके फैमिली में जो यहीं पे रहते हैं गोशा महल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आज भी लोग हैं वही के लोग। डिलीट कर दिया, डिलीट करके यहाँ पर ऐसा ऐसा डिलीटेड टू, देखिए डिलीटेड टू डालकर उनका घर वहीं पे है। बोले GHMC का वोट डाले, MLA के वोट डाले, MP आने तक डिलीट करके रंगारेड्डी दूसरी जगह पे फेंक दिया वो लोगों को। दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड आई पुट इन्फॉर्मेशन टू हिम ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली अनफेयरली डिलीटेड एंड शिफ्टेड टू अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्पाइट दे लिविंग इन हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये देख के विकास राज जी को मैंने डाला है, इसका रिएक्शन विकास राज जी के पास नहीं होता है, लेकिन एक लेडी कंटेस्टेंट के ऊपर गलत FIR बुक करने वालों का मदद देकर FIR को कंफर्म करने के लिए उनके पास टाइम रहता है। इसी से पता चल रहा ना भैया, डेथ वोट्स कहाँ से आते हैं बताइए? जब इंसान जिंदा है आप उसको डेड कैसे? कितनी बड़ी फ्रॉड हो सकती है बताइए आप? एक फीमेल कैंडिडेट भाजपा के, विच शी हैज अ राइट टू चेक द फेस एंड आईडी कार्ड, यू आर सेइंग यू डू नॉट हैव। व्हाट राइट एनीबॉडी हैज एंड हाउ बिग ऑफेंस इट इज टू डिक्लेयर अ लिविंग पर्सन एज डेड
एंड नॉट लेटिंग हिम पुट अ वोट. आप बताइए. 100 मीटर्स दैट टेकिंग द नेम ऑफ द पार्टी एंड वी क्वेश्चन ऑन दैट दे वुड वांट टू पुट केसेस ऑन अस.